<laughs> भाई आज हमारे साथ जो उनको कोई जरूरत ही नहीं है तारुफ की कैसी हैं आप ठीक ठाक तारुफ कर लो यार ऑन हमारे साथ है पाकिस्तान की मशहूर अभी भाई नाम <laughs> मतीरा कैसी हैं आप आई एम गुड तुम कैसे हो मैं बहुत प्यारा हूँ We कुछ देर पहले एक मच्छर को भी अभी ये कातिल है मच्छर <laughs> का <laughs> मच्छर मार के जो है ना मैंने उस मतलब मार के नहीं उसको मैंने थप थप ही दिए थोड़ी हाँ, सी पीछे उसकी पीठ पे ही जस्ट स्पैंक्ड द मच्छर होता मच, है ना होता है अभी मच्छर नट्टी ऐसे कैसे चूसा तुमने तो मेरे को <laughs> मच्छर की बात मच्छर कर रहे हैं हाँ, exactly एग्जैक्टली हाँ, हाँ, मच्छर ये ये आ गया मच्छर खैर एनीवे मच्छर से हम आगे बढ़ते हैं हां क्या आपने कभी देखा है कि मच्छर के अंदर कोई भूत हो

ओके okay. बहुत प्यार से इसको ना बेड बना दे टिश्यू का ये तुम करो व्हाट व्हाट डू यू थिंक आई एम आई एम उठाने <laughs> में माय <माईर>? नो <No. laughs> इतने प्यार से मच्छर मैंने पहली बार उठाया होगा गाइस लाइक ये मार के यूं मसल के ओके okay. ये ले डायरेक्टर साहब ये ले डायरेक्टर साहब बाहर जाकर गार्डन में आजाद मेरी जान आजाद <laughs> <असाद>। आजाद <laughs> फिर एक बताएगा बनाएगा कि मैंने एक मच्छर को किया हम मच्छर की बात कर रहे हैं मच्छर हम मच्छर से आगे बढ़ते हैं मच्छर हमने खैर दो तीन मार भी दिए कभी आपने सुना है की मच्छर के अंदर जिनो मच्छर के अंदर क्यों जिन होगा हो सकता है हाँ रात में वो मनोज के कर रहे होते हैं ना हाँ। कान में वन यूर स्लीपिंग एंड यू हैव अ बैड ड्रीम तो गलती से वो वो कौन सी एक फिल्म थी वो टेक्सस वो कौन सा स्टार वॉर्स में, में थी वो नहीं नहीं वो स्टार वॉर्स वाले ना यार वो जो एक बंदा होता है यार मुझे जिनो से नहीं जो हॉरर है भाई वो जो टेक्सस वाली एक फिल्म थी वो चमड़ी पहनकर घूमता है

It was pathetic. <laughs> वो मक्की घूम के बात कर रही होती है। Like, like come on why? वो मक्की सारे मर्डर कर रही होती है। वो, वो मक्की इंसाफ दिला रही होती है। शुक्रे मक्की को दिखाए नहीं love making में, <laughs> <laughs> ना वो भी दिखा देते। हाँ। नहीं वैसे National Geographic पे ऐसी चीजें जो है ना वो

इसने एक पर बहुत, सारी है। लिखी थी, बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें शुरुआत में क्या करना चाहिए तो मुझे हाँ। बताएं कभी जिंदगी में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है बाहर हुई है अभी ये बाहर कोई अपना गला जो है ना वो खर रहा है किसी के कोई बलगम फसा हुआ गले में नो आई थिंक पैरानामल एक्टिविटीज होती रहती हैं एंड uh, हर जगह होती है पैरानॉमल एक्टिविटीज एंड uh, मैं मैं सोचू मेरी कब सी वाली कौन सी वाली बहुत यार मैं बहुत हॉर देखती हूँ जब आप हॉरर देखते हो ना एक टाइम आता है कि जब आप दूसरा अब ये वाला हाल हो गया है कि जब कोई दूसरा हॉरर आ रहा होता है या कोई दूसरी फिल्म में बोलती हूँ भाई यार ये जिन भूत में ये मसला है इसने ये नहीं किया यू नो वी वी स्टार्ट हाँ थोड़ा सा यू नो उल्टी चलकर आती है थोड़ी देर तक दीवार पर चिपकी भी होती है मुंडी घुमा लेती आई so, थिंक uh, अब थोड़ा अजीब से हो गया बट आई थिंक जब आप बचपन में होते हो छोटे होते तो बड़ी अजीब सी चीजें होती थी क्योंकि वहाँ जो दरख्त होते थे आर लाइक फिफ्टी सिक्सटी ओल्ड ओक ट्रीज तो यू नो क्रिसमस ट्रीज होते थे तो अम्मी हमेशा बोलती थी हमारे जो स्विंग्स होते थे ना वो रात में बड़े चलते थे अच्छा या तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज थी कि यार रात में अगर आप देखो तो स्विंग्स ऐसे चल रहे होते थे जैसे कोई बैठा हुआ है लेकिन और उस वक्त अगर कोई भी बैठता था उसकी आ, टकली लाल हो जाती थी यू नो नो वी वुड फॉल ऑफ एंड स्विंग पीछा कर धाड़ करके यार लगता यस सो पैरामल एक्टिविटीज होती है अच्छी होती है, अच्छी होती है।, होती है, होती है. काला जादू काला जादू यस काला जादू माशरे में इतना फैला हुआ है मैं सीरियस हो गया वैसे बहुत क्योंकि एक बड़ा सीरियस इशू है हमारी जब से पॉडकास्ट रिलीज़ होना शुरू हुई है मेरे इनबॉक्स में इतने मैसेजेस आए हैं कि फ़लाने हज़रत साहब का नंबर दे दें वो जो मौलाना आए थे वो तो ऑल दो ढोंगी दो okay. थे ढोंगी थे, थे बट वो और मैंने बोला भी सब ड्रामा या फेक है वो निकाल रहे जी मट्टी निकाल रहे हैं और ये बहुत बकवास था वो खैर बट हमारे यहाँ माशरे में एक बहुत बड़ा मसला है काला जादू का किसी को बुखार हो काला जादू कर दिया किसी ने ये कोई जादू एक्चुअली एग्जिस्ट्स ठीक है वो है और आ, मैं मैं आजकल ज्यादा नहीं हो गया नहीं आजकल मैं पाकिस्तानी जादू वालों को इतना नहीं देखकर बोलती लेकिन मैंने आए क्योंकि अफ्रीका में दे डू वूडू तो जिस इंसान के पास उतनी ताकतें होती है ना वो इंसान लोगों के पीछे नहीं भागता हमारा एक प्रेसिडेंट था रॉबर्ट मुगाबे ओके okay. Uh, उसके ख़िलाफ़ कोई भी बंदा खड़ा होता था वो कुछ टाइम बाद मर जाता था लिटरली <laughs> मर जाता था सो एंड एनी वन मतलब किसी ने कोई बयान दे दिया उसको बुखार हो जाता था कुछ टाइम बाद वो बंदे की एक खबर होती थी इज़ डेड सो वो बंदा uh, उसके बारे में सुना था कि वो बंदा एक बंदे से मिलने जाता है हु स्टेज इन अ जंगल लाइक यू नो और वो सिर्फ जाकर उसको राशन देता था दैट्स ऑल वो लिटरली वहाँ जाकर हेलीकॉप्टर में उससे मुलाकात करता था सो आई थिंक जब कोई लोग यहाँ बैठ कर बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा लोग के पीछे भागते हैं ना hmm. वो ओरिजिनल नहीं होते क्योंकि जो ओरिजिनल होता है ना उसको दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं होता नाउ आई एम साउंडिंग लाइक अ वेरी बिग जादूगरनी सो अप नहीं नहीं लाइक दैट अच्छा मैं समझता हूं जो हमारे क्रिकेटर्स होते हैं ना एक uh, क्रिकेटर है मैं उनका नाम नहीं लूंगा बट उनकी वाइफ ने मुझे बेसिकली बताया था कि जब क्रिकेट मैच ये लोग खेलने जाते थे तो बहुत सारे मुल्कों के जो ब्लैक मैजिशंस होते थे वो काला जादू करते थे कि भाई मतलब मैच पे भी लोग सट्टे लगे हुए होते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई पैसा डबल करवा दें हमारा यार ये तो अगर आपने देखा होगा इवन इन uh, बहुत दफ़ा ये hmm. हुआ है कि uh, जमीन से लोग बोलते हैं कुछ निकलता है लाइक एंड देन अदर टीम स्टार्ट्स प्लेइंग वेल देखो काला जादू किसी पर भी हो सकता है एंड आई थिंक ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट्स नजर आल्सो एग्जिस्ट्स काली जबान ऑल्सो एग्जिट ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है बट आई थिंक दैट इंसान के पास उतना भी फेथ होना चाहिए अपने आप पर क्योंकि अगर काला जादू वाले लोग सब कुछ कर सकते हैं तो फिर वो शायद उस पोजीशन में नहीं होते यू नो अल्लाह ने किस्मत रखी है और किस्मत नाम की एक चीज़ है hmm. और इसलिए दुआएं भी है यू नो टू ब्रेक अवे द एंड ऑल ऑफ ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी होती है कभी आपको लगा कि आप पर किसी ने काला जादू कराया लगा तो होगा एक टाइम पे लाइफ में आके हाँ एक टाइम था मैं मैं वो बहुत ज्यादा एक चीज थी तो एक, एक 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 फैमिली की एक चीज थी तो उधर एक सॉरी मैं हाँ, बात काट रहा लेकिन ये फैमिली का ही क्यों होता है पप्पो <laughs> ने करा दिया होगा नहीं मेरी पप्पो ने नहीं किया लेकिन हाँ, वो जिसने भी किया बट या नाम मालूम अफराद नाम मालूम अफराद थी तो वो जाती थी हाँ okay. वो जाती थी कोई बंगाली बाबा में और उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रेस आउट किया oh. था क्योंकि मैं जब सो रही थी मेरे बाल कटे हुए थे और जब भी मैं वहाँ सोती थी, थी मुझे बहुत uh, मेरी एन्जाइटी बहुत हैवी थी मुझे ऐसा लगता था सांस नहीं आता था उस वक्त आहिल भी छोटा था हाँ. और यू नो यू गैट एट फील कि तुम्हें उठना है लेकिन तुम उठ नहीं पा रहे Hmm. And, uh, वो बड़ी एक एक सा था मेरी का काम नहीं था मेरा काम रुका हुआ था सब कुछ बंद था कुछ hmm. कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हाँ. ये तो ऐसे ही है वेरी नाइस अच्छा ये सारी चीज जब होती थी तो तो so, I... मतलब सो इस वजह से वो एक अजीब सा हो गया था आई स्टार्ट लूजिंग वेट काम मेरा बंद हो गया था आई हारबल ड्रीम्स और यू नो जहाँ आपको ऐसे लग रहा है यू लूजिंग इट जब mm -hmm. uh, तो वो वाली फीलिंग बड़ी होती थी देन आई स्टार्टड माई मॉम वॉज वेरी कंसर्न तो मैं फिर यू नो आई स्पोक टू माई मॉम तो अम्मी ने uh, दो तीन यू नो सद किए और उतारे होते mm. वो किए एंड देन आई दैट्स वन आई स्टार्टड विजिटिंग द इमाम बाड़गा अलॉट उस वक्त से मैंने ये रियलाइज़ करा दैट कोई परेशानी होती है क्योंकि बने हुआ स्ट गो दे थोड़ा सुकून और बेहतरी इंसान को फील होती थी यू नो यू यू फील लाइक यू नो थिंग्स आर गेटिंग बेटर और करते करते थिंग्स डिड गेट बेटर तो यस ब्लैक मैजिक डज लेकिन मैं ये बोलती हूँ जब कोई आपके खिलाफ कुछ करता है ना देखो इट्स लाइक रबर बैंड वो खींचेगा ही ठीक है थीके? तो अगर आप सामने वाले पर भी कर रहे हो उसका एक ड्रॉबैक आता है यू you नो know, uh, हर चीज में आता है लाइक यू विल गेट द खरमा ऐसी of कोई course. बात नहीं कि आप करके कर 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 बैठ जाओ और आपको कुछ ना मिले तो या फिर जो है उनको कारमा मिल, मिल रहा है उनको अच्छी बात है। है। मिल रहा है नहीं, मैंने एक ऐसी फैमिली देखी है और मेरे बड़े करीबी जानने वाले हैं तो वो इस इन चक्रों में थे ना उनका ये काम था कि अगर किसी से कोई फड्डा वड्डा है कोई कहानी है या कोई जेलसी है जलन हसद तो उनका काम ये था कि भाई इस, इसके नाम का जो है ना वो इसके नाम का उल्लू गाड़ना है ये उनके अल्फाज होते थे मैं छोटा होता था okay. बट मैं, लेकिन मैं मुझे समझ सारी होती थी कि क्या बात हो हाँ. क्या नहीं <coughs> इनके नाम का उल्लू गाड़ना है इनके नाम की हड्डी गाड़नी है तो ये बातें होती थी तो वो करते थे करते थे आखिर में उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था जो लोग थे वो और बहुत बुरी मौत हुई थी उनकी और वो लिटरली वो वॉशरूम में उनकी वो डेड बॉडी मिली थी और उनका फेस जो था वो कमोट के अंदर था ठीक है और वो और उनकी बेटी थे इस काम में भरपूर तरीके से हम्म hmm. तो लोग जो समझते हैं ना कि जलन में हसद में किसी के ऊपर हम कुछ करा देंगे उनके ऊपर पलट के नहीं आएगा तो बहुत जबरदस्त तरीके से पलट कर आएगा yes. और कब आता है आपको अंदाजा नहीं होता आप समझते हैं कि आपकी लाइफ बड़ी खूबसूरत गुजर रही है लेकिन वो बहुत ही हॉरेबल होता it's है हॉरेबल आई थिंक जादू टोना और ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है लेकिन किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना चाहिए हम्म था, hmm. उसके हमेशा ये होता था हमारे पड़ोसी वाले घर पर कोई रह नहीं सकता था uh, जो रहता था उनके साथ बहुत ही नो नो इट्स जस्ट वो थोड़े टाइम बाद छोड़ कर चले जाते थे okay. तो हमेशा वो उस घर में ये होता था कि आई हैड टू डॉग्स तो मेरी डॉगी बड़ी भोगती थी तो जब हम नए नए बार शिफ्ट हुए मैं आपको बता रही हूँ एक समझौता कैसे होता है oh, yeah? <laughs> तो हमेशा पायल की आवाज़ें आती थी पायल और झाड़ू की अच्छा हाँ रात के दो तीन बजे के झाड़ू लग रही है अब ये होता था दैट माई मदर टू बी लाइक क्या हो रहा है बाहर क्यों हो रहा है यू नो देन वट हैपन्ड इज़ हमने एक चीज़ को समझ लिया था कि वो उस चीज़ का एक टाइम है hmm. हम उस उस जगह पर जाते नहीं थे hmm. लाइटें बंद कर देते थे अदरवाइज़ ये होता था कि हम टीवी देख रहे हैं और कुर्सी हट जाए या टीवी बंद हो जाए तो लिटरली हम हवा से हम बहुत बेवकूफ़ लग रहे थे लेकिन हम बोलते थे सॉरी हम भूल गए कर, hmm. करके चले जाते थे उससे ये मुझे पता चला था चीज़ अच्छी हो या बुरी hmm. अगर आप उसकी टाइम की और उसकी एक रिस्पेक्ट करो ना दे डू द सेम लेकिन अगर लाइक ले, लाइक हम नमाज भी पढ़ते थे तो रूम में पढ़ते थे बिकॉज वी न्यू दैट चंद चीज़ें चंद चीज़ों का एग्रवेट कर देती है एंड जब वो एग्रोवेट होती है तो ऑफ़कोर्स चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं होगी तो आई थिंक दैट ये बुरी चीज़ें होती है लेकिन उनके साथ समझौता डालना बहुत ज़रूरी होता है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं एग्जैक्टली ये चीज़ uh, मेरे साथ हुई थी uh, मैं भादराबाद में रहता था बचपन पूरा मेरा वहीं गुज़रा है तो हमारा जो घर था ना तो वो ऊपर की ऊपर वाले पोर्शन में हम रहते थे तो नीचे से जब ऊपर जाते तो अंदर ही सीढ़ियाँ होती थी ना okay. तो कोई मतलब बाहर कोई गैलरी वाली कुछ थी बस अंदर से सीढ़ियाँ जाते थे ऊपर वाला पोर्शन हमारा था तो जब भी शाम के टाइम पे अराउंड चार पाँच बजे या पाँच पाँच से छः के दरमियान या मतलब चार से छः के दरमियान अगर मैं उस सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता था ना तो मेरे ऊपर कोई थूकता था Yeah. और वो इतना कोई डिस्गस्टिंग होता था मतलब इमेजिन किसी ने बहुत सारा आपके ऊपर थूका हुआ आओ, oh, कोई कबूतर तो नहीं था जिसको डेडी हो <laughs> नहीं कबूतर 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 का भी <नहीं <laughs> ना उच्छ। <मुझ>। laughs> का भी Sorry, <I had to. <laughs> नहीं कबूतर का तो पता चल जाता ना हाँ, कबूतर का है कौए ने आ, किया हुआ है ये भी है लेकिन इमेजिन कोई बलगमी थूक किसी ने आपके ऊपर फेंका हुआ और ये, और ये आपके साथ रोज हो रहा हो और आप भी जा जा जाने का मैं तो ऊपर जा रहा हूँ हाँ। तो तो अच्छा, एक दिन इग्नोर किया दूसरे दिन मैंने कहा अम्मी थूक गिरा हुआ है तीसरे दिन अम्मी थूक गिरा हुआ चौथे दिन अम्मी थू पांचवे दिन मेरी अम्मी आई है अम्मा ने सीढ़ियों पे मचाया शोर कि आज के बाद अगर तुम लोगों ने थूका मून पे मुझे मेरा निकला मून है

चुड़ा भी होते हैं। <laughs> वो घूम रहे तो बंदा पसंद नहीं चुला ना। होता है ना? भाई तो बहुत चूड़ा चुड़ैल डायन, दो तीन दो तीन चीजें होती है चुड़ैल चुड़ैल <laughs> क्या होती है जो रात में कार पे निकलती है आखिर में दुल्हन देखू में क्या मसला है I I don't want to see see that Dylan. Why will go and see it? imagine खूबसूरत मतलब वो लड़की okay. होती है okay. ठीक है बेट लगे उसके पैर देखते है ना तो वो उल्टे होते हैं ये हम सुनते हैं चुड़ैल बचपन में सकती थी तो चुड़ैल चुड़ैल को हम इमेजिन करें अगर तो चुड़ैल हो चुड़ैल मेरे ख्याल खूबसूरत नहीं होती होगी चुड़ैल होती होगी कि उसके जो है ना बाल बाल लंबे होते होंगे उसका सिर आदे से यूं तमू नज़र आ रहा होगा अब मैं एक, एक बात बताती हूँ यू नो आपने एक बात बोली वो खूबसूरत वाली कौन होती है पिचल पैरी पिचल पैरी हाँ तो हमारी पुरानी बिल्डिंग में एक बंदा बहुत बड़, बड़ा मशहूर हुआ था तो आया था चार बजे अब वो आया था यू नो कोटा से आया था अब वो नीचे आकर है ना उसने बोला अबे यार एक बड़ी खूबसूरत सी दुल्हन थी मैंने उससे अपना नंबर बम दिया बातचीत की और मैं वो किस बिल्डिंग में किसकी दुल्हन है रात के चार बजे बाहर बैठी हुई थी आफ्टर दैट ही वॉज इन बेड फॉर सेवन डेज ही कुड नॉट यूरिनेट ही हैड हाई फीवर लेकिन सब मजाक ये उड़ा रहे थे कि भाईजान ने ये नहीं सोचा कि चार बजे कौन सी दुल्हन सर्च दर्ज कर दरक के नीचे बोले कि तुम मुझसे बात करो और वो उल्टा इसको नंबर भी देख रहा है कॉल कर लेना मुझे वो इसने यही बोला चौकीदार को कि अगर वो गुजरे ना बोलना मैं कॉल का इंतजार कर रहा हूँ उसने बोला भाई, <laughs> भाई कौन सी दुल्हन <laughs> <कौन सी दुलन? laughs> पी पीपल के पेड़ के नीचे एक जो है वो दुल्हन बैठी हुई हो नो सो इन दैट वे आई थिंक आजकल पिक्चर पेरीज हाउस लाइक ब्रो वी शुडंट गो आउट वो पाँव नहीं देखते पाँव नहीं देखते <laughs> <laughs> वो बोलते पाँव से कोई लेना देना नहीं है <laughs> <laughs> अच्छा बता क्या मैं मैंने आ, एक दफा मैंने पहले जिक्र किया था मैंने एक चुड़ैल नहीं कहूँगा लेकिन मैंने एक इस तरीके की कुछ चीज देखी थी लेकिन उसके पैर उल्टे नहीं थे उसके पैर

Oh. Demons. Oh. होते हुए. पता है मैंने कहा देखा था कहा? ये एक एयरपोर्ट एयरपोर्ट जाते हुए एक आप आप सीधा सीधा जा रहे हैं के लेफ नाम हैं। uh -huh. आप सीधा के लेफ्ट ब्रिज चढ़ उतरे आगे से लेकर तो उल्टे हाथ पे एक रफायाम वाली एक सोसाइटी जा रही है जहाँ पे रेल की पटरी ओके okay. वो रेल की पटरी पे मैंने देखा था रात के ढाई बजे oh, okay. और तो वो और कुछ करता है ढाई बजे के बाद कुछ यार बता दिया

तेरे नाम मैं गाड़ी चलाता हुआ जा रहा हूँ मेरी गाड़ी की हाई बीम पड़ी उस बच्चे पर वो बच्चा अचानक से कोई फ्लैश की स्पीड से जुप करके ना लेफ्ट साइड पर आ गया मेरे बिल्कुल पैसेंजर सीट पे ना तो गाड़ी चलाते चलाते मुझे शक्ल उसकी इतनी अजीब सी थी कि उसकी आंखें बहुत बड़ी-बड़ी थी छोटी सी नाक थी गोल मुंह था तो मैं थोड़ा समझा गया शायद कुछ ना अच्छा डिस्क्राइब किया अगर डिस्क्राइब किया ना मुझे ऐसे लग रहा है कोई फरिश्ता है बड़ी-बड़ी आंखें छोटी सी नाक गोल सा मुंह इसका भी ऐसा है ना नहीं बट सीरियसली वो जब मैंने देखा तो हाँ. मैंने मुझे लगा शायद कोई स्पेशल चाइल्ड है क्या तो मैंने उसको पैर देखे ना ऐसे यूं थोड़ा आके वो वो जब देखे तो तो मेरे वगैरह खड़े हुए तू स्पेशल तू स्पेशल चाइल्ड है है तूने मुझे देखा इधर आ ये चीजें करती हैं मैंने ये देखा है लोग स्पेशली यंग टीन ऐसे पोर्टल्स खोलने में भी ना उनको पता नहीं क्या मजा आ रहा होता है wannabe, uh, हाँ आ, वो सारे कजन्स मिलके चलो आज रू बुलाते हैं हाँ, रू बुलाते हाँ, हैं वो उनकी रू ही निकाल कर चली जाते है हाँ, वो ढक्कन बीच हाँ, में रखते हैं चार उंगलियां पांच उंगलियां रखते हैं होता है वो, रखता वो मैं, <laughs> मैंने जितना देखा है बहुत पहले है ना किसी कोल ऊजा बोर्ड ऊजा 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 राइटाजा हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं अच्छा मैं एक फिल्म की शूट पे था मोर की फिल्म पे शूट पे था कोटा में ना जामी डायरेक्ट कर रहे थे वो फिल्म तो मैं डेढ़ दो महीने से कोयटा में था हम लोग सारी फिल्म शूट कर रहे थे तो रात में फ़ारग होते थे अब हम आ, मुस्लिम बाग में थे रात के कोई समझे ग्यारह बारह बजने और वहाँ पे दूर दूर सिर्फ पहाड़ नज़र आते थे और मतलब अंधेरे तो आप छोड़ ही नहीं ना रात में आप इतना फ़ासले से भी आपको कोई नज़र नहीं आता था तो वहाँ हम लोग ने जो है ना वो एक भूत बुलाने की कोशिश की थी Oh. एक पेपर पे ए बी सी डी लिखी थी सारी ठीक है uh -huh. और येस और नो लिखा था okay. ठीक है बीच में जो है एक ढक्कन रखा था हमने और वल्ला आलम हो सकता है कि शायद वो चीटिंग कर रहे हो मजाक कर रहे हो कि खुद वो ढक्कन चला रहे हो बट मैंने जब उस ढक्कन के बाद उंगली रखी थी मतलब चार लोगों ने एक साथ उंगली रखी hmm. थी तो ढक्कन मूव कर रहा था okay. हाँ तो अब मुझे लगता है शायद उन्होंने मुझसे चीटिंग की थी शायद मजाक मस्ती की थी बट ऐसे लोग बुलाते हैं आती हूँ ये रू ऐसे यार एक बात बताओ मेरी मॉम हमेशा एक चीज बोलती थी जब हम बहुत छोटे थे ना बिकॉज वी स्टेड इन अ फार्म लाइक यूज प्लेस अफ्रीका में आपके घर बहुत छोटे जमीन बहुत बड़ी लाइक like, जमीन वेरी सस्ती अच्छा. तो अम्मी हमेशा मुझे अब पता चला अम्मी ऐसा क्यों बोलती थी अम्मी बोलती थी जब कोई तुम्हें बुलाए मेरी आवाज़ में तुम फॉरन नहीं बोलना हाँ मैं आ रही हूँ oh. ये बिल्कुल नहीं बोलना अच्छा क्योंकि अम्मी बोलती है कि दीज पीपल दे ओनली नीड परमिशन जैसे अम्मी बोलती है जब हम जाते हैं लाइक वो घर से बाहर जाती थी और हम घर में होते थे अम्मी हमेशा बोलती थी, थी कैमरा में देखना कौन है बाहर फिर दरवाज़ा खोलना हमारी आदत होती थी खटखटाए दरवाज़ा खोल दो hmm. तो ये दीज थिंग्स दे इनको बस uh, वो एक होता है ना दुनिया में आने के लिए एक छोटा सा लूप होल चाहिए होता है वो लूप होल इंसान ही खुद ही दे देता है सो आई आई थिंक दैट दिस इज़ नॉट एट ऑल कूल आप लोग बैठकर सोल्स बुलाओ फजूल में अपने आप hmm. को भी और दूसरी वाली दुनिया को भी आप डिस्टर्ब करते हो दैट्स नॉट गुड गुड्स नॉट गुड दैट्स नॉट एल प्लस आपको पता भी नहीं होता ना ये क्या है ऐसे नहीं वो हो consequences आपका क्या होंगे? आपका सेम ऑफ सेमसमी रोज वो बेचारी सिर्फ तीन बजे उसकी ये गलती थी वो एक जगह पर खड़ी हुई थी सिक्स मेन डेबल्स वर्ड इन हर

पता नहीं गूगल कर लो बाकी आप लोग हाँ बट लुसिफर का नाम नहीं लिया था बट बटाफर था जो खुद था जो बात कर और उस लड़की की शक्ल कैसी हो गई थी, थी खूबसूरत लड़की थी वो यस yes, तो ये चीजें एग्जिस्ट करती है एंड लोग 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 आई हैव सीन दिस इतना ढोंगी करते हैं है, मैं मेरी जो घर में मासी होती है वो कभी बोलते हैं यार हमारी जानने वाली पर तो सौ जिन इश्क हो पड़े हैं भाई ये कौन सी कौन सी इश्क की अहरिया चल रही होती है वो सौ जिन चढ़ जाते उस पर और इश्क में मुबतला है और आप उनका जिन। और उनका मुंह देखे तो आप बोलो भाई क्या हो गया है हम मर गए थे क्या <laughs> हम पे आशिक नहीं हो रही हम पर यार इंसान आशिक नहीं दूर तुछ तुछ पे सौ चढ़े हुए हाँ जिन चढ़ गए मतलब इमेजिन तो आई थिंक ये सिर्फ ब्लफ होता है जब कोई बोलते कोई मेरे आशिक हुआ था आ, मेरे, मेरे उसका आशिक मैं, मैं बाल खोल के ना छत पे चली गई थी तो वो आपके अंदर आ, जब कोई जिन आएगा आपको सब कुछ खुल जाएगा बाल के अलावा भी नो इट्स मेड ऑफ फायर इट्स रिटन इन द किताब और कोई इंसान ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता आपने कभी ऐसा कोई मंदा देखा है जिसके ऊपर जिन हो नहीं सोच के बोला ऐसा देखा तो होगा सोच के बोला नहीं, के नाम सोच बताऊं कि नहीं बताऊं नो 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 नहीं आई थिंक हम आई हैव हर्ड अबाउट दिस दैट एक खातून होती थी जिम्बाब्वे में शी इज वेरी वेरी प्रीटी लाइक वेरी प्रीटी कहां पे हरारे में एक खातून होती थी उसका बड़ा एक किस्सा मशहूर हुआ था क्योंकि पीपल वर टेलिंग ईच अदर टू नॉट विजिट हर ओके तो वो शी वाज मैरिड फॉर लाइक वन वीक शी केम फ्रॉम मोजाम्बिक और दे बॉट अ हाउस न्यू कपल एंड उसका हस्बैंड मर गया ही डाइड एंड कुछ टाइम बाद लॉट ऑफ पीपल सेड दैट शी एक्टिंग बियर वो यू नो झूलों में दिखती थी बाल खोल कर पड़ी हुई होती थी सिर्फ झूला झूल रही होती थी सो दे इनफॉर्म्ड हर फैमिली जो नेबर्स होते हैं hmm. उन्होंने बोला ये रात में बड़ी अजीब हरकतें कर रही होती है पूरी रात पड़ी हुई होती है यू you नो know, बाहर बारिश हो कुछ हो, भी हो झूले पे बैठी हुई होगी या वट यू कॉल घोड़ों की स्टेबल में बैठी हुई होगी लाइक यू नो दिस नॉट नॉर्मल हरकतें बिल्कुल सो व्हेन दे गॉट टू नो दे सेड दैट इसको किसी अकॉर्डिंग टू दैन दे सेट किसी एक इनविजिबल चीज़ जिन वेन का नहीं पता उन्होंने बोला hmm. उस चीज़ ना इसको परफिदा हो गए लाइक तब Person likes her. And the first thing that person did was kill her husband. Oh. And now that thing has, like, you know, mentally uh, locked her up. So, did not वो घर से निकलती नहीं थी शी वुड ओनली कम at night and sit in the mud don you know to these weird हरकतें इसकी फैमिली आती थी वो फैमिली के साथ बहुत बदतमीजी करती थी सो द फैमिली एंड एवरीवन स्टार्टेड एक होता ना वर्ड स्प्रेड्स दैट यार उससे नहीं मिलना वो थोड़ी अजीब हरकत करती है सो या ये ये सुना था आपका कभी तो मजार जाना हुआ है व्हाट मजार मजार जैसे ओ oh, मजार ओके या okay, yeah, तो वहां पे देखा है कि लोग मैंने खातिनों को देखा है वो भागते भागते सर जमीन पे धड़ करके मारती हैं है।, है ना इट्स इट्स ऑल अटेंशन सीकिंग देखो मुझे जो लगता है कि नो no, इस तरह बिल्कुल नहीं होता बिकॉज <laughs> हर इंसान को ये पता है आ, हमारी सोसाइटी में ये एक बड़ी सैड सी बात है लेकिन अगर किसी पर कोई जिन होता है या लोग बोलते हैं कि वो क्या होता है वो क्या आती है ताया? नहीं नहीं वो जो लोग मज़ार पर जा हाजरी, हाजरी, हाजरी. तो दे बिलीव दैट दे आर द चोजन वंस यू गेट इट वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुपीरियर बनाने की कोशिश में होते हैं mm. कि और आई थिंक इट्स ऑल इन दैर देर ऑल मेंटली गुड श्रेंथ देर इज नथिंग लाइक दैट

इस तरह मजाक जो ऐसी हरकत करते हैं ना उनकी उनके हालात ही दिखा रहे होते हैं कि वो किस सिचुएशन mm. में है तो यू कैन सी दैट वन हैज नथिंग टू देन दे दे स्टार्ट एक्टिंग अप लॉस्ट एवरीथिंग हाँ मैंने मैंने जो है ना ऐसे काफ़ी मजारों पे देखा है कि खातें जो है ना आती हैं वो टक्कर मार रही हैं गुलाठियाँ मार रही हैं ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कभी कभार ये बदतमीजी भी होती है ना बिकॉज बीइंग अ डिसरिस्पेक्टिंग यू देयर देयर लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर कहां उनके कपड़े जा रहे हैं कहां उनका दुपट्टा जा रहा है इस तरह बिल्कुल नहीं होता हम्म एंड आई बिलीव चीजों में जो ह, हम इंसान इतने शातिर हो गए इतने शातिर हो गए कि हमने एक ना देखी मखलूक पर भी ना uh, करते हम सब है अपनी मर्जी से करते हैं और इल्ज़ाम हम उन लोगों पर डाल देते हैं क्योंकि कोई हवा को कोई पकड़ सकता है अच्छा आजकल लोगों का वहम भी तो बहुत है ना वैसे कुछ वहमी ऐसे लोग भी होते हैं कि फलाने की तरफ से जो है ना मुझ पर कुछ हो गया है जिन आ, जिन भेज दिए उन्होंने मुझ पर आई हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो लोग बोलते हैं किसी ने जिन भेजा है किसी ने मोकिल है मैं बोलती हूँ यार आप को वो चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं हो सकती दे कांट स्पेशली आज कल के इंसान में आपको लगता है कि जिन कोई मिट्टी का बना हुआ इंसान जिनों को काबू कर सकता है नहीं नहीं अल्लाह तरफुलमखलूक़ात बनाया और इस है और आप ज्यादा पावरफुल हैं अल्लाह ताला ने आपके अंदर ताकत इतनी रखी है जिनमें आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता बात बताओ जिनके पास अगर ऐसी ताकत भी होती है ना, वो इतने इतना बजते हैं, हैं ऐसा लगता अच्छा कुछ लोग शो ऑफ भी करते, है ना। कुछ लोग भी करते हैं मेरे पास जन में जो हूँ अच्छा कुछ लोग होते हैं ऐसे पता है? एक मखसूस एक आवाम होती है जिनको मैं समझ समझता हूँ कि वो अटेंशन सीख करने के लिए ना वो कहते हैं कि भाई मुझ पर आ गया जिन और मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि मैंने जो है ना वो ये चीज़ें उठा ली इतनी भारी टेबल में उठा ली ये तो आई थिंक ये भी कोई साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम It's होता साइकोलॉजिकल थिंग साइकलॉजिकल इज नथिंग लाइक दैट मैंने बहुत सारे बाबाओं के बारे में पढ़ा है वो जिनके नाम पर अजीब हरकतें कर रहे होते औरतों के साथ <coughs> अजीब चीजें कर रहे होते हैं विच इज नॉट एट ऑल रियालिटी ठीक है एंड इंसान के अंदर बहुत ताकत है ठीक है इंसान बहुत सारी चीजें कर सकता है इंसान आवाज तक अपनी बदल सकता है सो आई थिंक दैट दिस इज ऑल बुलशेट इज नो जिसके हाथ में जिन होगा ना वो कभी नहीं बैठकर बोलेगा कि मेरे हाथ में जिन है नहीं लोग आते हैं जैसे एक वो, एक वीडियो हुई थी वो शलवार वाले बाबा शलवार वाला शलवार वाले बाबा है? बाबा हाँ बस वो उनको जो है ना वो चाहिए था कि उनके आस्थाने में एक दरख्त लगा हुआ होता था हुँ. और अगर, अगर अपनी कोई आपको दुआ करवानी है ना तो आप शलवार उतार के अपनी दरख पे यस आपका कोई दुआ कबूल नहीं हो रही आप नहीं अब ये देखो ना दिस इज सो और ऑलरेडी और उस पर सौ के करीब शलवार लटक रही होंगी अब अब ये देखो ये कितना गंदा है कि आप आप अपनी दुआ कबूल करने के लिए अपनी शलवार उतार दे। रहे हो जो किसी काम की नहीं है आप बस उतार रहे हो कि शौक होगा आपको शलवार <laughs> उतारने का पब्लिकली सो यस ये चीज़ें इट्स इट्स जस्ट नॉ रेट दुआ कबूल करनी है यार uh, मैं आपको एक, एक बड़ी पर्सनल चीज़ uh, बताती हूँ मैं एक लाइफ में एक सिचुएशन में थी जहाँ मैं हाजी अली गई हूँ मैं हर मज़ारों पर गई हूँ मैंने सौ मन्नतें की है okay. मैंने इतनी नमाज़ें पढ़ी है रात में कि कभी कभी मेरी माँ बोलती थी कि बेटा व्हाट इज़ दी एक्चुअल इशू लेकिन मेरे अंदर एक जिद थी और मुझे किसी चीज लाइक like, एक दुआ मुझे कबूल करवानी थी mm -hmm. मैं इतनी पागल हो गई थी एक होता है जुनून मैंने लाइक आई वॉज लाइक नहीं मुझे करना है मैं मज़ारों पर गया मैं हर जगह मैं अब हंसती हूँ hmm. कि इतनी मैंने मन्नतें की <laughs> कुछ और मांग hmm. लेती लेकिन वो चीज़ हासिल नहीं हुई hmm. और अब मैं जब पीछे देखती हूँ ना मैं अल्लाह के ऊपर इतना शुक्र गुज़ार हूँ कि अल्लाह अगर मुझे वो चीज़ दे देते हैं ना मैं बर्बाद हो जाती oh. अभी मैं अपने आप को देखती हूँ मैं बोलती हूँ मैं तो एक बॉम्ब बांधने वाली थी अल्लाह मियाँ बार बार उतारते थे मैं तो बांध ही रही थी सो देखो जब कोई दुआ कबूल नहीं हो रही होती ना वक्त को गुजरने दो वो चीज आपके लिए नहीं है मतलब आप जबरदस्ती किसी चीज को नहीं ले सकते हो लाइक ए सेट एक बॉम अगर आप बांधोगे तो अल्लाह मियाँ तो आपको सत्तर माओ से ज्यादा प्यार करता है ना वो उतारेगा फिर आपके ऊपर है आप जितने भी सजदे करो उस वक्त से मैंने एक चीज़ मान ली है मैं जब भी नमाज पढ़ती हूँ मैं सिर्फ माफ़ी मांगती हूँ और बस बोलती हूँ मेरे लिए बेहतरी करो मैं कभी भी दुआ नहीं मैं पहले बड़ी ग्रीडी होती थी कि अल्लाह जी ये भी हो जाए कभी कभी ऐसी भी दुआएं कि यार वो बैग बहुत अच्छा लगा है <laughs> मुझे चाहिए बहुत महंगा है वो बैग पर यह एक होता है ना इंसान मच्योर होता है मेंटली तो प्लीज़ शलवार उतार कर Uh, किसी बाबा के पास जाकर दुआई नहीं करो वो दुआई नहीं है यार आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि देखिए जो आपके नसीब में अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है ना वो आपको मिलना ही मिलना है yes. और अगर कोई चीज़ तुम्हें ना मिली हो ना तो उसमें अल्लाह ताला की बेहतरी होती है और आपने जो कहा ना कि अगर आपको वो चीज़ मिल जाती तो अल्लाह ताला ने मतलब आपको किसी उस चीज से बचाया हुँ। तो जस्ट दैट ट्रस्ट द प्रोसेस और बस आप अल्लाह से मांगते रहें दुआएं अगर आपके हक में होगा तो इनशाला आपको लाइ ये वही वाली चीज़ होती है ना जब आप एक एक्टर एक हो ड्रामा में एक्टिंग कर रहे हो आपको पता नहीं होता है क्या चल रहा है लेकिन फिर आप ऑडियंस बनते हो ना तब आपको पता चल रहा होता क्या चल रहा था तो इसी तरह लाइफ में जब आप एक स्ट्रगलिंग फेज में चल रहे हो वो आपका एक ड्रामा है उसको जाने दो एक वक्त आएगा जब आप ऑडियंस में होगे और आपको सब कुछ वाज तौर पर नज़र आएगा

ये <laughs> <चूड़ा। laughs> नहीं यार आपने वक्त निकाला आप आई एंड मेरे लिए बहुत की बात है। अंदर की बात को अंदर ही <laughs> ये बात बताई नहीं जातीन <laughs> <laughs> और हजरात अगर कभी आपके साथ कोई सुपरस्टिशियस चीज हुई हो आप पर कभी कोई जिन हावी हुआ हो या आप पर आपको लगे कि यार मुझ पर जादू हुआ था और जिसकी वजह से मैं बड़ा जो है ऑफ़ ट्रैक हो गया था तो ये स्टोरी जो है आप व्हाट्सएप पर हमें भेज सकते हैं सामने जो है नंबर लिखा रहा होगा हम उसको फीचर करेंगे अपनी इस पॉडकास्ट में तो मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में अपना ख्याल रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह हाफ